इसी प्रकार मोक्ष भी पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष से होने वाला सुख पुरुषार्थ। तो मुख्य पुरुषार्थ चार नहीं है, मुख्य पुरुषार्थ केवल सुख है एक। अब वो देखना कि उस सुख को तुमने कहाँ माना, काम करने से सुख होता है कि इकट्ठा करने से सुख होता है, कि भोगने से सुख होता है कि छोड़ने से सुख होता है, अपनी अवस्था जो है उससे अपनी पहचान होगी। मैंने लोग अपनी पहचान ये करते हैं कि हम कथा सुनने जाते हैं इसलिए लोग चुकाते हैं, तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप कथा वार्ता सुनने आते हो तो लोग चुकाते हैं। ये देखना कि आप घर में सुख के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो, सुख के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि सुख के लिए त्याग कर रहे हो। तो अपने से तो भाई आदमी खुद ही जांच सकता है, दूसरा कोई उसके बारे में निर्णय दे दे। हमारे साथी में धर्म भारत धर्म महामंडल संस्था थी, एक समय उसकी जवानी थी, हो सही जवानी, अब तो जुड़ा गया है अभी, लेकिन जुड़ा गया। सभी जवानी में भारत धर्म महामंडल में बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में प्रमाण पत्र छाप के रखे हुए होते हैं। जब कोई शेष जी जाते तो उनके लिए धर्मालंकार, धर्म ध्रीर, भक्ति रत्न, भक्त राज है ना, ये किताब लिख के उनको दिया जाता और ले लेके आते। तो उन दिनों जयदयाल जी को भक्त राज का किताब दिया था और हनुमान प्रसाद जी को भक्त भूषण का किताब दिया था। ये यहाँ चूड़ीलाल जी, लक्ष्मी राम जी और ये जो है चिरंजीलाल लोयल का, इन सब लोगों को किताब वहाँ से मिलते थे। हमारे शंकराचार्य भगवान भी देते थे, तो गदाधर सोमानी को उन्होंने धर्मधुरी की धर्मालंकार की उपाधि दी थी। तो ये भक्तराज की उपाधि मिल जाने से कोई भक्तराज नहीं हो जाता। अपने दिल में तुम देखो कि तुम्हारा सुख कहाँ है। जिसका सुख दान आदि में है वो धर्मात्मा है, जिसका अर्थ इकट्ठा करके हमारे पास इतना हो गया अर्थ संग्रह में है ना, वो अर्थाभिमानी है। तो हमने ये भोग किया है तो इसका अभिमान होता है, तो हमने ये त्याग किया है ये अभिमान होता है। तो असल में ये जो अभिमान जन्म सुख है चार प्रकार के आता है। कई लोग तो मनोरथ बनाते हैं और सुखी होते हैं, भूलते नहीं है, योजना बनाते ये मिलेगा ये मिलेगा, ये करेंगे और अंत में मर जाते हैं, कुछ नहीं होता है, ये मनोरथ जन्म सुख होता है। और कुछ लोग भूलते हैं तब सुखी होते हैं, और कुछ लोगों को अभिमान ही होता है कि हमारे पास ये है ये है ये है, उसी में सुखी हो लेते हैं, और कुछ लोग त्याग करके सुखी होते हैं। तो अब देखो तुम्हारा सुख कहाँ है। जिसका समाधि में सुख है वो योगी है, जिसका धर्म में सुख है वो धर्मात्मा है, जिसका अर्थ में सुख है वो अर्थी है, जिसका भोग में सुख है वो कामी है। अब जब सुख ही पुरुषार्थ है ये बात निश्चय हुई ना, तो सुख तो उससे मिलता है जिससे प्रेम होता है। धन से प्रेम हो तो धन में सुख मिले, और धन से वैराग्य हो तो धन में सुख न मिले। भोग में प्रेम हो तो भोग में सुख मिले, और भोग में प्रेम न हो तो भोग से दुख हो। धर्म में प्रेम हो गए तो धर्म करने से सुख हो गए, न हो गए तो दुख हो। कई लोग दान करके रोते हैं, तो कई लोग त्याग करके रोते हैं, आया हमने छोड़ दिया, न घर के रहे न घाट के रहे, त्याग करके भी रोते हैं।
तो असल में सुख कहाँ मिलता है? जहाँ प्रेम होता है। न गुरु में सुख मिलता है, न माता में सुख मिलता है, न पिता में सुख मिलता है, न ईश्वर में सुख मिलता है, न धन में सुख मिलता है। असल में सुख जनकत्व जो है वो प्रेम में है। अब देखो अपने विषय पर आ गए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी पुरुषार्थ है, परंतु सुख जनकत्व न सुख देने वाला होने के कारण प्रेम जो है ये पंचम पुरुषार्थ मुख्य पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ अगर कहीं माया मोह के काम में जोड़ोगे तो थोड़े दिन वहां मालूम पड़ेगा, फिर पलट जाएगा। और ये प्रेम ईश्वर से जोड़ोगे, परमेश्वर से, तो तुम्हारा सुख स्थायी हो जाएगा। ऐसे दर को क्यों बनू जो जन्मे और मर जाए, कर करिए गोपाल जी मारो चुड़ले अमर हो जाए। तो ये जो बताया कि पूर्णार्था अहो वंश पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, गोपियों को पूर्णार्थ कहने का अभिप्राय ये है कि तुम्हारा श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और माने हुए कबल हम तुमको कृष्ण मानते हैं, तो काला ग्राम की बढ़िया को कृष्ण मानते हैं। बोलो एक दिन बंदर उठा ले गया, काल है ना, काल बंदर है, ये संसार की सब बलियों को उठा लेता है, तो ऐसे प्रेम नहीं होता। काला ग्राम की जो शिला है वो नारायण का प्रतीक है, चतुर्भुज का, और चतुर्भुज नारायण जो है वो द्विभुज कृष्ण का प्रतीक है, और द्विभुज कृष्ण जो है वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है, नारायण कहो। तो अपनी चित्त वृत्ति को अंततो गत्वा परमात्मा में लगाओगे तब सच्चा सुख सच्ची शांति मिलेगी। प्रेम जोड़ ना हो तो परमेश्वर से जोड़ो। प्रेम संसार में इधर उधर भटकने मत दो। गोपियां बोले कि हमको तो तुम कहते हो कि पूर्णार्थ हो गई गोपियां वासुदेव भगवती यासा मित्र पिता मन भगवान वासुदेव ने तुम लोगों ने अपने मन को अर्पित किया। मन का अर्पित करना माने मन में जितना संकल्प हो सब अपने प्रियतम के लिए, और जितना विकल्प हो सब अपने प्रियतम के लिए। मन भीतर ही भीतर उसी को खिलावे, उसी को सिलावे, उसी को दे, उसी को ले, उसी से मिल है, उसी से जुल है। मनोराज्य की दिशा बदल गई है। तो इतने जिन्हें सोचा कि गोपियां कहेंगी कि न हमने दान किया, न व्रत किया, न तप किया, न हम न जप न स्वाध्याय न संजम, संजम माने योगाभ्यास, और भी जो विविध साधन है, कुआं बनवाना, बावली बनवाना, बगीचा लगवाना, सड़क बनवाना, तो इसका भी एक हिसाब होता है। दुखी पुरुष को सुख देना ये श्रेय है। तो रोग से दुखी हो तो दवा करके, भूख से दुखी हो तो अन्न देके, और नंगा होने से दुखी हो तो कपड़ा देके, ये भी उसको सुख देना है, ये सब श्रेय है। और एक बेवकूफ को ज्ञान देना, नासमझ को समझदारी देना, तो ये ही दान है। तो पाठशाला है, वाचनालय है, तो आनंद के विपरीत जो भाव अपने चित्त में आया है उसको मिटाने का प्रयास, और चेतन के विपरीत जो भाव अपने में आया है नासमझी उसको मिटाने का प्रयास, और सत के विपरीत जो भाव आया है अपने चित्त में उसको मिटाने का प्रयास, और तीव्रता के विपरीत जो अपने अंदर भाव आया है उसको मिटाने का प्रयास। अब इसमें देखो मकान भी आ गया, अस्पताल भी आ गया, स्कूल भी आ गया, वाचनालय भी आ गया, सत्संग भवन भी आ गया, और दुख निवारण के जितने प्रयास हैं ये सब आ गए। तो ये दान का भी श्रेय का भी हिसाब होता है
कि ये किस हिसाब से किया जाए, इनका कल हो पाए। तो अब ये बताते हैं कि देखो करो कुछ, लेकिन सबका प्रयोजन ये है कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो गए, भगवान से भक्ति हो। अगर वो गोदान करने से प्रसन्न होते हैं तो गोदान करेंगे, कैसे से खुश होता है, तो वो खुश होते हैं स्वर्ण दान करने से, तुला दान करने से, एक अभय दान होता है। वो संसार में बताया है कि दान तो बहुत से हैं, परंतु अभय दान से बढ़ करके दूसरा कोई दान नहीं है। जब कोई आदमी मृत्यु से भयभीत हो, रोग से भयभीत हो, भविष्य पर दृष्टि डाल करके भयभीत हो, तो उसके चित्त से भय को मिटा देना ये सबसे बड़ा दान है। पैसे वाले को समझते हैं कि हम जो चार पैसा किसी को देते हैं वही सबसे बड़ा दान है, उनके पास विचारों की और कुछ ही नहीं। मैंने सुना, पेंशन पढ़ा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि जब देखो तब तुम पैसे ही मांगती रहती हो, कभी अकल क्यों नहीं मांगती हो? तो उसने कहा कि जिसके पास जो चीज होती है वही उसको मांगी जाती है। अकल तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुमको अकल कहाँ से मांगे? तो ये सत्य देने वाले हैं ना, तो उनके पास अकल तो है नहीं, अभय स्वयं तो नहीं है, तो अभय दूसरे को कहाँ से देंगे? अकल स्वयं तो नहीं है तो दूसरे को कहाँ से देंगे? तो ये चार पैसा किसी को देते हैं तो अपने को जो समझते हैं महाराज कि जैसे इनके बराबर और कोई हो ही नहीं, अभिमान मोल देते हैं बदले में, ठीकरे देते हैं और उसके बदले में अभिमान लेते हैं। तो असल में इन सब का फल क्या है? दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम। दान का फल यश नहीं है, व्रत का फल गिनती बढ़ाना नहीं है। बोला बोले हम कितने व्रत करते हैं महीने में, तो दो एकादशी करते हैं, अमावस्या करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, गिनती बढ़ा दें। अरे तुमको महीने भर में दो दो एकादशी करके 12 महीने में 24 एकादशी करते हो, और मुसलमान तो इकट्ठे ही एक महीने का रोजा कर लेता है, तो मैंने 24 जोड़ के बनाया तो उसने 30 कर लिया। अगर तप करते हैं, तप करना माने शरीर सुखाना नहीं, होम करना माने घी गुरे को आग में डालना नहीं, जप करना माने माला फेरना नहीं, स्वाध्याय करना माने मंत्र बोल देना नहीं, और योगाभ्यास करना माने सांस दम घुटना नहीं। इस सबका एक उद्देश्य होता है। तो सकाम लोग जो होते हैं वो कुछ पुत्र के लिए करते हैं, कुछ पति के लिए करते हैं, कुछ पत्नी के लिए करते हैं। एक सज्जन आते हैं अपने पास तो कहते हैं अभी लड़के ही हैं, वो कुंवारे हैं, तो पंडित लोग उनसे कहते हैं कि तुम पत्नी मनोरमान दो ही मनोवृत्तानुसारणी तजस करो, है ना, तब तुम्हारा अच्छी लड़की से ब्याह हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि हम वैष्णव हैं और अनन्य है, भगवान की पत्नी मनोरमा ही देवी का क्या जप करें? हाँ, कोई लड़की आती है बम्बई में, लड़की भी ब्याह के लिए मंत्र जप करते हैं हो कि हमारा किसी से ब्याह हो जाए, ये बात हमें और कहीं दूसरी जगह नहीं सुनी थी। तो बम्बई में मालूम हुआ कि लड़की जप करते हैं, ये सौभाग्य आरोग्यम, ये तो सकाम भाव से एक कामना से एक आराधना होती है, एक दान होता है। ये 5 रुपया इसकी मान्यता है और 10 रुपया इसकी है, और ये व्रत सोमवार का व्रत पति के लिए कर रहे हैं तो मंगलवार का व्रत पुत्र के लिए कर रहे हैं। तो गौरी जी की पूजा होती है दूसरे काम के लिए और गणेश की पूजा होती है दूसरे काम के लिए। तो सकाम पुरुष जो होते हैं उनकी साधना भी जुदा जुदा होती है और लक्ष्य भी जुदा जुदा होता है। और भक्ति की क्या विशेषता है? देखो ये इसमें एक बात आई कि साधना चाहे अलग अलग करो,
लेकिन लक्ष्य सबका एक होता है। अनेन प्रियतम प्रभु प्रियतम, तो हमारे इस कर्म के द्वारा हमारे प्रियतम प्रभु प्रसन्न होना। कि जहाँ सकाम धर्म में साधना भी अलग अलग है और लक्ष्य भी अलग अलग है, वहाँ भक्ति में साधना अनेक है परंतु लक्ष्य एक है, ये भक्ति की विशेषता है। और योग में जब समाधि लगती है ना तो वृत्ति भी एक होती है और वृत्ति का लक्ष्य भी एक होता है। और ज्ञान जो है उसमें न अनेक साधन न अनेक लक्ष्य, न अनेक साधन एक लक्ष्य, न एक साधन एक लक्ष्य, तो उसमें तो अपना आपा जो है वही अखंड है, वो तत्व मूलक दृष्टि है, वो गुण मूलक दृष्टि नहीं है। तो भक्ति जो हमारे जीवन में भक्ति आ रही तो भक्ति का अर्थ विभाग हो जाए, भक्ति माने बंटवारा होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। जो टूट कर देना किसी चीज को उसका नाम भक्ति है। सबसों तोर हरिसों जोर सबन सौ तोर, मैं अपनो मन हरिसो जोरो हरिसो जोर सबन सो तोर हरिसो जोर सबन सो तोर। हरि से जोड़ना और सबसे तोड़ना ये विभाग हुआ भक्ति में। अगर मन इधर से हटा के उधर नहीं लगाओगे तो भक्ति नहीं होगी। इसी का नाम भाग होता है, इसी का नाम भंजन होता है, इसी का नाम भजन होता है। भंजन भी है भजन भी है, भंजनम भक्ति ही भजनम भक्ति, भजन का नाम भी भक्ति है और भंजन का नाम भी भक्ति है, भागो भक्ति। ये गुण भक्ति रोग भक्ति ऋतुचक है, गुणों का विभाग कर देना माने ये दुर्गुण है और ये हमारे प्रीतम में नहीं है, और ये सद्गुण है ये हमारे प्रीतम में है, ये गुणों का जो विभाजन है इसी का नाम भक्ति होता है। तो दान करो भाई, दान करो, व्रत करो, तपस्या करो, भोग करो, मंत्र का जप करो, स्वाध्याय करो, संयम योगाभ्यास करो और भी श्रेय के साधन करो, परंतु मानस तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइये गणपति जग बंदन शंकर भुवन भवानी नंदन। पति की वंदना करो और उनसे कहो कि हमारे प्रभु की भक्ति हमें दो। तो ये भक्ति की विशेषता है कि कोई भी साधन करो और उसके द्वारा चाहो कृष्ण की भक्ति, सब हमारा मन सबसे जुदा होकर के कृष्ण के साथ जुड़ जाए। तो बोले कि जब फल ही मिल गया, तुम्हारा मन भगवान के साथ जुड़ गया, तो दान व्रत तप होम जप की जरूरत क्या रही। तो इसलिए गोपियों तुम जो ये कहती हो कि हमने न दान किया न व्रत न तप न होम, हमको तुम पूर्णार्थ क्यों कहते हो, तो हम तुमको पूर्णार्थ क्यों कहते हैं गोपियों, कि सबका फल है कृष्ण की भक्ति, और तो कृष्ण की भक्ति कृष्ण की प्रीति तुम्हें मिल गई, इसलिए अब तुम साधन अवस्था में नहीं हो, अब तो तुम स्वयं साध्य हो। भगवत्युत्तम श्लोके भवती दुरवत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनाम अभी दुर्लभा। बड़े आनंद से उद्धव जी महाराज बोलते हैं कि गोपियों तुम भक्ति की आचार्या है, भक्ति की गुरु कौन है, गोपी। तो भक्ति तुम्हें सीखना हो तो किससे सीखो, मेरे गोपी से सीखो। ये ब्रजवासी लोगों का एक सिद्धांत श्लोक है, वो कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। भक्ति का सार बता देते हैं कि हमारे इष्टदेव कौन है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नाम सुन लो, ब्रजेश नहीं और जगदीश भी नहीं, मिला ज
जगदीश तो छोड़ ही है, वह ब्रजेश ब्रजेश जो नहीं ब्रजेश तनय, नारायण नहीं ब्रह्म नहीं, ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर पीतांबर धारी मोर मुकुट वारे सावरे सलोने ब्रजराज कुमार हमारे इष्ट देव। चलो छुट्टी, अब और दूसरा इष्ट नहीं है। और रहते कहाँ हैं? द्वारका वाले कि मथुरा वाले कहाँ वाले? सद्धाम वृंदावनम, वो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, बाहर वाले नहीं वृंदावन वाले। ब्रजेंद्र नंदन भी वृंदावन वाले। सद्धाम वृंदावनम, रखा भाई तुम उपासना उनकी कैसी करते हो, किस ढंग से उनको खुश करते हो, पूजा करते हो? आप जैसे गुरु का नाम बताते हैं, रम्या काशिदुपासना ब्रज पशु वर्गे रैया कल्पिता। हम उनकी उपासना वो करते हैं कि ब्रज की बहुओं ने जो उपासना करते हैं, ब्रज की माताओं ने नहीं, ब्रज की माताओं ने जो उपासना की थी या ग्वालों ने की थी वो नहीं, ब्रज की नव बधुओं ने जो उपासना कृष्ण की थी वो उपासना हम करते हैं। माने हमारी आचार्या गोपी है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय सद्धाम वृंदावनम, रम्या काशिदुपासना ब्रज बधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, तो भाई तुम्हारे कौन सा ग्रंथ कौन सा तुमको मानना है? बोले कि निर्मल ग्रंथ श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। कथा तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण की उपासना करके तुम चाहते क्या है? प्रेमा तुमर्थो महान, प्रेम ही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है। हम चाहते हैं श्री कृष्ण का प्रेम, जिनको मोक्ष चाहिए वो मोक्ष ले, पेंशन ले। हमको पेंशन नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए जन्म जन्म ब्रजेंद्र नंदन की सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभुर मत मिलम तस्त्रादरो न परहा, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है और उसमें हमारा परम आदर है। तो ये जो गोपी है, ये गोपी केवल उपासिका नहीं है, ये तो प्रेम की आचार्या। भगवत्युत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनाम अपि दुर्लभा। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, तुम लोगों ने अनुत्तम भक्ति प्रवर्तित की है। देखो इसमें जो शब्द है वो ध्यान देने लायक है। भगवती ही उत्तम श्लोके भगवती अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता, प्रथम भूता भक्ति ही मुनीनाम अपि दुर्लभा। मुनियों को भी जो दुर्लभ है ऐसी भक्ति। अब देखो ये कहते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि श्री कृष्ण ने हमें ब्रज में भेजा और ब्रज में तुम्हारी तुम गोपियों का दर्शन हुआ। कैसी है तो उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक जो श्री कृष्ण है, उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि जिनका यश उत्तम है। उत्तम श्लोको यज्ञ, श्लोक माने जस, श्लोक यते गीयते यश, श्लोका यश। उत्तम है जस जिसका, अथवा उत्तम नारदादि भी श्लोक यते इति उत्तम श्लोक। नारद आदि जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं, उन भगवान में तुम लोगों ने अनुत्तम भक्ति प्रवर्तित की। अनुत्तम माने जिससे डर करके और कोई भक्ति नहीं है,
ये अनुत्तम शब्द जो है ना संस्कृत साहित्य का ही अपने ढंग का अनुदय है, संस्कृत मांगने में ये अनूठा शब्द है। जिससे उत्तम और कोई न हो उसका नाम अनुत्तम, न उत्तमा अनुत्तमा नहीं, जो उत्तम न हो तो अनुत्तम ऐसा नहीं। नास्ति उत्तमा यस्या, जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं ऐसी बच्चे और प्रवर्तित भोजन पहले से तो ये चली नहीं आ रही है, तो मत चले तुम इसकी आचार्य हो। सर बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, गुरु हुए, उनको तो इस भक्ति का ज्ञान होगा। बोले नहीं नहीं, उन मुनियों के लिए भी ये भक्ति दुर्लभ है। तो असल में बात क्या है कि मननशील होने से ही उनके लिए दुर्लभ है। क्यों तो दुर्लभ है, तो मनन ही उनके प्रेम में प्रतिबंध है। जो अपने को बहुत बुद्धिमान बना करके रखना चाहता है वो प्रेम के तंत्र में अयोग्य होता है। चालाकी है, बुद्धिमानी है, ये प्रियतम बढ़ता है किससे, अपने उन प्रेमियों से जो बहुत चतुर होते हैं। बोले एक न एक दिन धोखा देंगे भाई, बोला बहुत चतुर। भक्त लोग जो है वो चतुराई नहीं चाहते, चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे। देखते हैं कि कलकत्ते के थे ना कैनन फॉर्म का बड़े भारी बैरिस्टर डी आर दास, तो हम लोग बचपन में कहते थे क्या नाम रखा है डी आर दास। तो गांव में तो सी आर बहुत है ना, बहुत खराब मतलब। वो तो जब बड़े हुए तब मालूम हुआ कि नहीं इनको ये बड़ा बढ़िया नाम है, चित्तरंजन डी आर दास माने चित्तरंजन दास। अब उस डी आर का मतलब चित्तरंजन होता है ये उस समय क्या कल्पना होगी। तो वो जब बड़े भारी बैरिस्टर जब मरने लगे तब जीवन में तो नास्तिक रहे, उनकी बहन अभी इसी कालम को मिली थी, उनकी बहन वृंदावन में आई थी तो मां ये सी आर दास की बहन करते हुआ सत्ता वहाँ हुआ, बड़ा अनुष्ठान किया। तो बड़ी भक्त है, तो मरते समय जो आखिरी बात उन्होंने कही थी वो यही थी, चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक ईश चरणाश्रय पावे। आग लगे आचार विचारों के उपचय में, उस प्रभु का विश्वास सदा सदा दृढ़ रहे हृदय। चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक ईश चरणाश्रय पावे। आग लगे आचार विचारों के उपचय में, उस प्रभु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय में। तो भक्त लोगों को बहुत चतुराई नहीं चाहिए। देखो त्याग काम्य होने पर भी, गोपियों ने भी त्याग किया और मुनियों ने भी त्याग किया, त्याग में समानता है। त्याग में मुनि लोग भी ऋषि लोग भी बड़ा त्याग करते हैं, गोपियों ने भी त्याग किया। त्याग में गोपियों की बराबरी करने वाले महात्मा हो सकते हैं, लेकिन विचार की बात देखो तो जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं वो एकांत जंगल में बैठ करके ईश्वर के बारे में मनन करते हैं, और गोपियां धान कूटती हैं कृष्ण को चावल पकाकर खिलाने के लिए, और घर लीपती हैं उनको सिरक सिरक कर नाचने के लिए, और मक्खन निकालती हैं कि श्याम सुंदर आके हमारे घर में चोरी करे, और पानी भरने इसलिए जाती हैं कि वहां के रास्ते में हमारा आंचल पकड़ ले। मुंशांचलम चंचल पश्य लोकम बालो सिनालो कैसे कलंकम, अरे चंचल छोड़ो आंचल क्यों पकड़ पाए, अभी बच्चा है मालूम नहीं कितना कलंक लगता है इसमें।